देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए पहले दो मरीजों में से एक बेंगलुरु के डॉक्टर की कोरोना जांच रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। वहीं नए वेरिएंट से दहशत के बीच 558 दिन यानी डेढ़ साल बाद देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे कम 6822 सामने आए हैं, जिसमें से अकेले केरल से ही 3277 केस हैं। सक्रिय मामलों में भी करीब 3500 की गिरावट दर्ज की गई। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए डॉक्टर को क्वारंटाइन में रखा गया है। डॉक्टर के साथ गुजराती मूल के जिस दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था वह प्रशासन को बताए बिना विदेश चला गया है। इस मामले में अफ्रीकी नागरिक समेत संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए हैं। पुणे के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, इनमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पहले सोमवार को मुंबई में ओमिक्रॉन वेरियंट के 2 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में इस वेरियंट से संक्रमित लोगों की संख्या अब 20 हो गई है। देश भर में ओमिक्रॉन से संक्रमित की कुल संख्या 33 हो गई है, जिनमें से महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। देश में बीते 24 घंटों के अंदर आज 6,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 220 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।